संविधान के जहाँ इनको दफन कराने लगा था क्या? उसे बुलाइए यहाँ पे। नहीं आपने क्या सुना? भाई हमारे क्षेत्र का रोड जाम है, आम जनमानस परेशान है। आप एक काम कर लो, बस खाली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई साहब, उन्हें बुला लो। वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो वहाँ जाम लगा रखे हैं, वो करें वो यहाँ आए। नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा उन तीनों ने मिलके मुझे पीट दिया, बस ये बात हुई थी। कौन लोग थे? एक सुकुंतला भारती, एक उसका पति जो है पंडित है वो, एक उसका गवर्नर वो जो है गार्ड गार्ड गार्ड। किस बात पे? अमन अमन किसी बात पे? अमन के यहाँ से निकल के आ रही थी। मामला हुआ क्या? पूरी बात क्या? मैं तो वहाँ बैठा था दुकान पे भैया, बैठने के बाद में मेरा स्कूटर बिल्कुल साइड से खड़ा था, गाली निकल सकती थी। फिर उसका लड़का निकल गया, बुआ जी आ रही है, बुआ जी आ रही है। अरे भाई कौन सी बुआ जी आ रही है? आ रही है, बहुत जगह निकल जाएंगी, इतनी बात हुई थी बस। तो अब आपने क्या कर रखा है यहाँ पर? कहाँ पे? उसने मुझे मारा, उसके गार्ड ने मारा, उसके पति ने मारा मुझे। अब आप क्या चाहते हो? आप यहाँ आए और यहाँ से माफी मांगे? माफी मांगे और मैं भी एक चाटा मार जाता उसमें खाली। अगर माफी नहीं मांगा जैसा उसने किया मेरे साथ, मैं भी वही करना चाहता हूँ उसके साथ। जब मैं अकेला था, अब मेरे संग बहुत है, मेरा पूरा मंडल है। क्या रोड भी जाम कर रहा है आप लोगों? हाँ सब कुछ आप सब देख रहे हो। क्या एक घंटे से हो गए, एक घंटे वहाँ पे कार्रवाई करे हुए, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। मैं तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से संगठन मंत्री हूँ, मेरे अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं सामने। देखिए मैं बैदरूप किशोर राठी जी के यहाँ घर पे गई हुई थी, वहाँ से लौट रही थी, तो एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं जानती हूँ क्या है क्या नहीं है, मैं साफ बता दूँ, उन्होंने मतलब हमने गाड़ी मोड़ी है, मोड़ के नहीं है वो अमन राठी बेचारा आया हुआ था छोड़ने के लिए। बोले ये कौन है? कि अलीगढ़ की पूर्व महापौर शकुंतला भारती है। तो बोले कि अलीगढ़ की पूर्व महापौर शकुंतला भारती है, तो उसने इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, गंदी माँ बहन की गाली बक लेते तो कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं है, चलो शराब पिए हुए हैं कोई बात, अपने कार्यकर्ता हैं या मैं तो जानती भी नहीं थी उन्हें। तो इस बात पे वो राठी ने बोला कि भाई क्यों गाली बक रहे हो, क्यों इस तरीके से, इन्होंने गाड़ी में से खींच लिया शराब की हुई। तो इस तरीके की हरकतें करना ये अच्छी बात थोड़ी है कोई। तो अपने आप को वो भी आपको बीजेपी का बता रहे हैं? हाँ हाँ, तो सब अपने ही हैं, मैं कब ये कह रही हूँ कि अपने नहीं है, अपने लोगों का कहना है कि आपके पति और आपके बच्चे ने भी उनके साथ मारपीट की, इसमें क्या? मेरे पति को सुनो, अभी ईश्वर को साक्षी करके कि मेरे पति को अभी ये भी नहीं पता है कि इतना बड़ा झगड़ा हो चुका है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जरा पूछना कि बहन जी कहाँ हैं इस समय, जरा एक बार बात करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो आप इसकी कोई तहरीर वगैरह दे रही हैं? थाने पे हूँ। हाँ तहरीर दे रही हूँ। साफ नहीं गेट बिल्कुल।